अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कैमटीसीआर यूज करते हैं 2020 तो उसमें एक प्रॉब्लम है कि जब भी आप उसको जो है रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन को आप क्लिक करते हैं तो आपकी जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होती, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि वो आप जो है उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कैमटीसीआर को ओपन किया हुआ है और जब आप जो है इसको ओपन करते हैं और कोई भी अपने जो है कंप्यूटर की स्क्रीन आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जब आप रिकॉर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके पास जो है रिकॉर्ड का ऑप्शन नहीं आता, तो आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो नहीं आती। तो यही मैं आज आपको बताऊंगा कि आप जो है इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने जो है इसकी अभी सेटिंग कर ली है, तो अभी मेरे पास जो है ये रिकॉर्डिंग हो रही है। तो आपने सिंपल सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जहाँ पर इसको इंस्टॉल किया हुआ है आपने वहाँ पर चले जाना है। तो मैंने जो है अभी इसको सी ड्राइव में इसको इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। आपने जहाँ पर भी इसको इंस्टॉल किया है आपने वहाँ पर चले जाना है, आपने प्रोग्राम फाइल्स में जाना है और जहाँ पर जो है आपने टेक्समीट को आपने ओपन करना है। टेक्समीट का आपके पास फोल्डर होगा तो आपने जो है सिंपल उस पर क्लिक करके आपने उसमें चले जाना है। यहाँ पर आपको कैमटीसीआर 2020 का फोल्डर मिल जाएगा, उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है कैम रिकॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने जो है सबसे नीचे प्रॉपर्टीज में आपने चले जाना है। जैसे ही आप इसको प्रॉपर्टीज को ओपन करेंगे तो आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा कंपैटिबिलिटी का, इसको आपने ओपन करना है। तो जब आपने कंपैटिबिलिटी वाले ऑप्शन को ओपन करना है तो यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा रन दिस प्रोग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, तो इस पर आपने चेक लगा देना है। मैंने इसको जो है पहले से ही इसकी सेटिंग कर ली है तो इसलिए मेरे पास यहाँ पर जो है ये धुंधला शो हो रहा है। अगर आपके पास ये ऐसी सेटिंग नहीं हुई होगी तो आपके सामने जो ये वाला ऑप्शन होगा आपने इस पर चेक लगा के आपने जो है ओके कर देना है। और उसके बाद जब आप जो है अपने कैमटीसीआर को ओपन करेंगे और यहाँ पर जो है रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगी। तो मैं अभी आपके सामने वो प्रॉब्लम दिखा नहीं पाया क्योंकि मैंने जो है ये स्क्रीन जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मैं कैमटीसीआर 2020 से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरे पास कोई और जो है रिकॉर्डर अभी फिलहाल के लिए नहीं पड़ा था, वरना मैं उस पर आपको रिकॉर्ड करके बता देता। तो उसमें होता क्या है कि आप सिंपल यहाँ पर जब रिकॉर्ड के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला जो है मेन्यू रिकॉर्ड का ये वाला रिकॉर्ड मेन्यू नहीं आता तो आप रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाते। तो इसको आपने जो है इसी मेथड से आपने फिक्स करना है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मजीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जिंदगी ने वफा की, अल्लाह हाफिज़।